घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट करो। खुद को समझता क्या? क्या पुष्पा का आएगा थर्ड पार्ट? क्या अल्लू अर्जुन का बदला सीक्वल में पूरा होगा? क्या भंवर सिंह की मौत से खत्म होगी पुष्पा 2? अब पुष्पा की स्टोरी भी किसी यूपीएससी एग्जाम से कम नहीं लग रही है। मेकर्स रोज न रोज कुछ नया हिंट दे रहे हैं और इन हिंट से अब ऑडियंस हो गई है कंफ्यूज, क्योंकि किसी भी स्टोरी में अगर विलन के होते हुए भी अगर नया विलन इंट्रोड्यूस हो जाए तो मतलब साफ है दोस्तों कि अभी पिक्चर बाकी है। और ऐसा ही कुछ लग रहा है पुष्पा 2 को लेकर भी। अगर आपने भी पुष्पा मूवी देखी है तो आपको स्टोरी का थोड़ा आइडिया जरूर होगा कि कैसे एक छोटी सी जगह से पुष्पा ने दुनिया पर राज करने का सपना देखा और धीरे धीरे वो बन गया स्मगलर्स का हीरो। जैसे जैसे पुष्पा ने साइड में एडी ब्रदर्स के साथ हाथ मिलाया तो उसकी लाइफस्टाइल में काफी चेंजेस देखने को मिले। जहां उनकी लाइफ में आई श्रीवल्ली, पर क्या भंवर सिंह के साथ दुश्मनी में पुष्पा को होगा कोई बड़ा नुकसान? क्या श्रीवल्ली के जाने से पुष्पा छोड़ देंगे ये स्मगलिंग की भरी दुनिया? पुष्पा के एंड में हमने देखा था कि कैसे पुष्पा भंवर सिंह को उसी के जाल में फंसा देता है और उसकी बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती भी करता है। और इसी बदले की आग में भंवर सिंह वापस आएंगे पुष्पा के सीक्वल में। पर इसी के साथ मेकर्स ने एक और विलन की भी अनाउंसमेंट कर दी। क्या इस नए विलन की वजह से बनेगा पुष्पा का थर्ड पार्ट? क्योंकि पहले खबरें थी कि विजय सेतुपति इसके पहले पार्ट में भी नजर आ सकते हैं, पर डेट क्लैश होने की वजह से वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। तो इस बार जब भंवर सिंह के रहते हुए भी मेकर्स ने विजय सेतुपति को कास्ट किया है तो इस बात से ये साफ जाहिर है कि विजय के साथ दुश्मनी सिर्फ इसी पार्ट में तो खत्म नहीं हो सकती। और इस तरह से पुष्पा मूवी को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो अगर ये स्टोरी आगे बढ़ती है तो फैंस इसका थर्ड पार्ट देखना भी पसंद करेंगे। अब देखना ये है कि इस सीक्वल में क्या भंवर सिंह के रिवेंज में श्रीवल्ली खो देंगी अपनी जान, और क्या श्रीवल्ली के मौत के बदले में पुष्पा होंगे सक्सेसफुल? क्या भंवर सिंह को मारने के बाद उनका बदला पूरा हो जाएगा या भंवर सिंह की मौत को कोई नई स्टोरी की स्टार्टिंग होगी? क्योंकि नए विलन के साथ नई स्टोरी की शुरुआत होना काफी इंटरेस्टिंग साबित हो सकती है। और जिस तरह KGF का भी थर्ड पार्ट बनने जा रहा है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि पुष्पा का भी थर्ड पार्ट बन सकता है। आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आप पुष्पा का थर्ड पार्ट देखना चाहते हैं। पुष्पा 2 से जुड़ी ऐसी ही कुछ खबरों के साथ हम जल्द मिलेंगे हमारे बॉलीग्राड चैनल पर। तब तक स्टे ट्यून्ड।